नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। बिहार के बेतिया मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। तीखा हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने इस मामले की जांच की मांग उठाई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने प्रशासन पर अराजकता फैलाने का भी गंभीर आरोप लगाया है। बेतिया में पुलिस कस्टडी में हुई मौत पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने थाने में पीट पीट कर कई लोगों को जान से मारने का काम किया है। बिहार में पूरी तरह प्रशासनिक अराजकता फैल चुकी है, इसकी जांच होनी चाहिए। बेतिया में एक कस्टडियन डेथ हुआ, कैसे देखते हैं पूरी व्यवस्था? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, और ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी थाने में जो है पीट पीट करके पुलिस वालों ने कई लोगों को जो है जान से मारने का काम किया, और ये तो पूरी तरीके से प्रशासनिक अराजकता जो है बिहार में फैल चुकी है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जो अध्यक्ष हैं बिहार विधानसभा के, जो स्पीकर हैं, उनका खुद का आरोप है कि थानेदार नहीं सुनता, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं जनप्रतिनिधियों की ये स्थिति है तो और आम आवाम और गरीबों का क्या हालात होंगे। बिहार में पूरी तरीके से अराजकता फैली हुई है, और कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। अब थाने में इस तरह का काम हुआ है तो इसकी तो जांच होनी ही चाहिए, और जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर जो है वो सज़ा होनी चाहिए। ये जो पुलिस का जो कानून है, जो इन लोगों ने जो संशोधन किया था जिसमें हमारी विधायकों की विधानसभा में पिटाई की गई थी, इसी के लिए था कि अब पुलिस को जो है वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं भी घुस करके किसी को भी पीटना, किसी को भी कर देना, कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम लोगों ने बिहार विधानसभा में इस चीज़ को लेकर के विरोध किया था, जो पुलिस अधिनियम कानून में जो संशोधन किया गया था इस चीज़ को लेकर के, कि भाई लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सब लोगों को अपना कहने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है, लेकिन ये तो एक तरह से देखा जा रहा तानाशाही जो राज जो है वो कायम हो चुकी है। कई मंत्रियों ने ये आरोप लगा कि अधिकारी उनके नहीं सुनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जब कहते हैं कि पुलिस 100 बोतल दिखाती है, पकड़ती है तो 5 बोतल दिखाती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस हद तक जो है अराजकता जो है, प्रशासनिक अराजकता वो फैली हुई। वहीं महागठबंधन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि सब जुट लें तो अच्छी बात है, यह समय की मांग है। हमें बड़ी खुशी है कि शरद जी ने यह फैसला किया है, इससे हमारी पार्टी को जनाधार और बल मिलेगा। पुराने समाजवादी जितने लोग हैं सब लोग एकजुट हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और ज़रूरत भी है, समय की मांग भी है। और हम तो मुलाकात किए भी थे पहले शरद जी से, तो उनका ये था कि भाई अब जो है एक होनी होगी, देश के हालात जो देख रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि शरद जी ने यह फैसला लिया कि राष्ट्रीय जनता दल में वो विलय अपने पार्टी का करेंगे, और 23 तारीख को देवेंद्र यादव जो हैं, जिनकी पार्टी, वो भी जो है राष्ट्रीय जनता दल में विलय करेंगी। तो इससे साबित होता है कि हमारी पार्टी का जो बल है वो बढ़ेगा, जनाधार जो है वो बढ़ेगा। उन्होंने अभी बातचीत में एनआई से कहा है कि आप में वो भविष्य देखते हैं, इस वजह से ये मर्जर हो रहा है, बिहार का भी बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो तो हमारे अभिभावक है, ये तो बड़ापन है उनका, और हम लोग से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों की जवाबदेही और जिम्मेवारी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो सबको साथ लेकर के चलें, ये हमारी कोशिश रहेगी। सबकी बात हम करें, सबके समस्याओं को लेकर के बिहार की जनता की जो आवाज़ है उसको हम बेजोर ढंग से विपक्ष के नेता होने के नाते और मजबूती से उठाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब बड़ों का साथ मिलता है, पुराने कई दिग्गज नेता हैं जिनका आशीर्वाद हमको मिला है, तो उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे भरोसा जताने पर। आपको बता दें कि बिहार के बेतिया जिले में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शख्स को बेरहमी से पीटा जिससे उसकी जान चली गई। गुस्साए लोगों ने जमकर उपद्रव किया। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया है। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ।